और इस वक्त की बड़ी खबर, हेट स्पीच मामले में आजम खान पर बड़ा झटका। दोषी करार देने के बाद अब सजा का ऐलान भी हो गया है। आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। रामपुर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी और रामपुर डीएम के खिलाफ दी थी हेट स्पीच। 2019 का यह मामला है। आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ भाषण कहने का आरोप था। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया है और साथ ही 3 साल की सजा भी सुना दी है। अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। आजम ने 9 अप्रैल 2019 को जनसभा में उन्होंने कहा था, मोदी ने, कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वे केवल मुसलमानों के वोट ना मांगे, कुछ हिंदू भाइयों के भी वोट मांगे। सारा दिन मुसलमानों के वोट मांग रहे हो जिससे बीजेपी को जिता सके। जो तुम्हें अपशब्द कहते हैं उनसे बदला लो। तुम्हें नहीं दिख रहा रामपुर में कैसा कलेक्टर आया है? एक महीने के अंदर इस कलेक्टर ने नर्क बना दिया है। इसने रामपुर में दंगा कराने में कोई कसर नहीं रखी है। बहुत तूली बनता है, मैं बताऊंगा, खून बहाएगा, बीजेपी को इलेक्शन लड़ाएगा। अब ये सब बातें 2019 में लोकसभा चुनाव के भाषण के दौरान यहां पर आजम खान की तरफ से कही गई थी। तत्कालीन डीएम और प्रधानमंत्री मोदी पर ये हेट स्पीच दी थी, भाषण दिया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। 3 साल की सजा हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।